सबको दोपहर की नमस्ते। आज की डिबेट का टॉपिक है कि क्या होमवर्क खत्म कर देना चाहिए। हमारे पास इस विषय के लिए और इसके खिलाफ बहस करने वाली दो टीमें हैं। आइए हम अपनी पहली टीम का स्वागत करें, जो होमवर्क खत्म करने के पक्ष में तर्क दे रही है। धन्यवाद मॉडरेटर। गृह कार्य छात्रों पर बोझ है और सीखने का एक प्रभावी तरीका नहीं है। यह तनाव चिंता का कारण बनता है और मूल्यवान समय बर्बाद कर देता है, जिसका उपयोग छात्र पाठ्येतर गतिविधियों, शौक या अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए कर सकते हैं। होमवर्क भी बहुत अधिक असमानता की ओर ले जाता है, क्योंकि कुछ छात्रों के पास संसाधनों तक पहुंच होती है जो दूसरों के पास नहीं होती है। इस हम गृह कार्य को समाप्त करने के विचार का पुरजोर समर्थन करते हैं। मैं अपने साथी खिलाड़ी से पूरी तरह सहमत हूँ। गृह कार्य विद्यार्थियों के ज्ञान का मूल्यांकन करने का साधन नहीं होना चाहिए। यह अक्सर समझने और आलोचनात्मक सोच के बजाय रटने और याद करने पर आधारित होता है। इसके अलावा जो छात्र गृह कार्य के साथ संघर्ष करते हैं, उन्हें अक्सर दंडित किया जाता है, जो कम आत्मसम्मान की ओर जाता है और उन्हें सीखने से हतोत्साहित करता है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम इस पुरानी प्रथा को समाप्त कर दें। धन्यवाद। अब सुनते हैं विरोधी टीम से, जो होमवर्क के पक्ष में बहस करेगी। धन्यवाद मॉडरेटर। हमारा मानना है कि कक्षा शिक्षण को सुदृढ़ करने के लिए गृह कार्य एक आवश्यक उपकरण है। यह छात्रों को कक्षा में सीखी गई बातों को लागू करने और स्वयं उसका अभ्यास करने की अनुमति देता है। यह न केवल उनके ज्ञान को पुष्ट करता है, बल्कि उन्हें समय प्रबंधन और अध्ययन कौशल विकसित करने में भी मदद करता है, जो लंबे समय में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। होमवर्क छात्रों को कॉलेज और कार्यबल के लिए भी तैयार करता है, जहां समय सीमा और असाइनमेंट रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। मैं अपनी टीम के साथी के साथ और अधिक सहमत नहीं हो सका। वे कार्य भी शिक्षकों के लिए विषय की छात्रों की समझ का मूल्यांकन करने का एक तरीका है। ये छात्रों और शिक्षकों दोनों को फीडबैक प्रदान करता है, जिससे उन्हें उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलती है, जहां अधिक काम करने की आवश्यकता है। इसके अलावा वे कार्य समाप्त करने से छात्रों को शिक्षा पर कम समय देना पड़ेगा, जिसका उनके शैक्षणिक प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपके तर्कों के लिए दोनों टीमों को धन्यवाद। अब हम खंडन दौर की ओर बढ़ेंगे। प्रत्येक टीम के पास दूसरी टीम के तर्कों का खंडन करने के लिए 2 मिनट का समय होगा। हम इस बात से सहमत हैं कि सीखने के लिए अभ्यास आवश्यक है, लेकिन इसे प्राप्त करने का एकमात्र तरीका होमवर्क नहीं है। छात्र क्लास वर्क, प्रोजेक्ट्स और व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से अभ्यास कर सकते हैं, जो अधिक आकर्षक और प्रभावी हैं। इसके अलावा छात्र पहले से ही स्कूल में लंबा समय बिता रहे हैं और वे इसके बाहर जीवन जीने के लायक हैं। हमारा मानना है कि होमवर्क को पूरी तरह खत्म नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसमें सुधार किया जाना चाहिए। होमवर्क को अधिक सार्थक, प्रासंगिक और दिलचस्प बनाने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। इसके अलावा शिक्षकों को होमवर्क को डिजाइन और प्रबंधित करने के लिए उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इससे छात्रों को अनावश्यक तनाव न हो। हमारे विरोधी गृह कार्य के लाभों को स्वीकार करने में विफल रहे हैं। गृह कार्य छात्रों को कक्षा से परे अपनी शिक्षा का विस्तार करने और अपने अनुसंधान और समस्या को सुलझाने के कौशल विकसित करने के अवसर प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त तनाव और चिंता पैदा करने वाले गृह कार्य के बारे में तर्क निराधार है, क्योंकि उचित मार्गदर्शन और प्रबंधन इसे एक सकारात्मक सीखने का अनुभव बना सकते हैं। जबकि हम मानते हैं कि गृह कार्य सीखने को सुदृढ़ करने में मदद कर सकता है, यह ऐसा करने का एकमात्र तरीका नहीं है। सीखने और अभ्यास करने के कई अन्य तरीके हैं, जो छात्रों के लिए अधिक प्रभावी और आकर्षक हो सकते हैं। इसके अलावा गृह कार्य बहुत अधिक असमानता की ओर ले जाता है और उन छात्रों को नुकसान पहुंचाता है, जिनकी दूसरों के समान संसाधनों तक पहुंच नहीं हो सकती है। टीमों, आपके खंडन के लिए धन्यवाद। अब हम समापन कथनों की ओर बढ़ेंगे।